बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, मतलब पता नहीं मतलब बहुत ज़्यादा। आज तक इससे बढ़िया मैंने बास्केट चाट मुरी बड़ा कभी नहीं खाया मेरे लाइफ में। फाइनली धौलपुर से निकल चुके हैं और अभी यहाँ से जा रहे हैं गोरखपुर या लखनऊ। मेरा भी कुछ डिसाइडेड नहीं कि मैं लखनऊ जाता हूँ कि गोरखपुर। अभी ट्रेन भी आने वाली है तो बस निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस अब आ गए आगरा कैंट और अब यहाँ से जाएंगे आगरा फोर्ट। फाइनली लखनऊ पहुंच चुके हैं और अभी बज रहा है सुबह का 4 बजे की टाइमिंग थी यहाँ बादशाह नगर पहुँचने की वापस। फाइनली मम्मी पापा सबसे अलविदा ले लिया है, अब यहाँ से निकलते हैं रूम के लिए। फिलहाल मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया जैसे कि आपने देख लिया, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा थक गया था मैं और मैं सो भी गया था अभी और उठा अभी सुबह 4 बजे। वो तो अलार्म लगा दिया था इसलिए उठ गया, वरना मैं लखनऊ नहीं उतर पाता, फिर गोरखपुर चले जाता। तो फिलहाल चलते हैं रूम पे। सो हे गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे एंड जैसे कि आपने देखा कि मैं नानी घर से लौट आया और डायरेक्ट यहाँ लखनऊ आ गया, बिकॉज कोचिंग वगैरह थी तो कोचिंग ज़्यादा छूट रही थी, इस वजह से मैं घर नहीं गया वहीं पापा के साथ गोरखपुर, यहीं आ गया डायरेक्ट। सो फिलहाल आ जा रहा है मेरा दोस्त अलाहाबाद से, प्रयागराज से। कौन आ रहा है वो देख लेना, मेरा पबजी वाला फ्रेंड है। चलो चलते हैं, मिलाते हैं उससे और देखते हैं कहीं घूमने का प्लान भी हो जाएगा। सो बस वो पहले भी आया था लखनऊ तो उस वक्त मैं नहीं था। सो आज मौका है, चलो चलते हैं उससे मिलते हैं। फिलहाल वो अभी चारबाग से मेट्रो से आ रहा है इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन पर, तो चलो मैं भी चलता हूँ इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन और वहीं जाके उससे मिलते हैं और आपको भी मिलाते हैं। सो गाइज ये है कुरेशी सोहेब, मेरा पबजी वाला फ्रेंड। सो फाइनली आज इतने टाइम बाद हम लोग मिल गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो, मेट्रो से हम लोग यहाँ से जाएंगे कहीं कैफ़े वगैरह में, देखते हैं कौन से कैफ़े में बैठते हैं, बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना तो घूमने का प्लान तो कैंसिल। बैठेंगे थोड़ी देर और बाकी ये चल रहा है सोहेब, तो चलो चलते हैं मेट्रो। अभी फ़िलहाल हमने अभी मेट्रो करी है हज़रतगंज के लिए, तो फ़िलहाल अभी मेट्रो आती होगी तो उसके बाद देखते हैं यहाँ से किस जगह कौन से कैफे पे चलते हैं। हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन, अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। अभी हम लोग बैठे हैं रॉयल कैफ़े के अंदर और यहाँ पर आए हैं कुछ आराम से अपना बातें करेंगे और यहाँ पर काफ़ी एसी लगा था ठंडक, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी और कहीं घूमने जाने का प्लान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी दिन का गर्मी, क्योंकि दिन का 1 बज रहा है, 1 बजे 12 बजे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इसको निकलना भी है घर वापस, तो इसलिए फ़िलहाल यहीं बैठते हैं कुछ खाते पीते हैं। और अभी मैंने ऑर्डर किया है बास्केट, यहाँ का जो फेमस बास्केट चाट, बास्केट चाट यहाँ का बहुत फेमस है तो अभी वो आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बास्केट चाट बहुत फेमस है यहाँ का। ये है पापड़ी चाट जो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड ये है दही बड़ा जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में। एंड ये कुरेशी चालू हो चुका है खाने में तो फिलहाल हम भी खाते हैं इसको, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। सो गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, मतलब पता नहीं मतलब बहुत ज़्यादा, आज तक इससे बढ़िया मैंने बास्केट चाट दही बड़ा कभी नहीं खाया मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अच्छा। और क्या ही बताया जाए, मज़े आ गए। यहाँ पर पहली बार आया मैं लखनऊ में हज़रतगंज में, ये रॉयल कैफे, तो आप लोग भी जरूर आना, बहुत टेस्टी।
feeling ourselves in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy. This is how we do. Dancing in the club on a Saturday night. Good. So guys, काफी ज़्यादा अच्छा experience रहा Royal Cafe का and काफी मज़ा आ गया. पहली तो बहुत आया भाई से मिल के बहुत मज़ा आया समझ लो फुल एंजॉय एकदम मज़ा आ गया भाई लखनऊ आ गया आज पहली बार लखनऊ में इतना अच्छा लगा है. बास्केट चाट खाया काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी. ये रहा पीछे रॉयल कैफ़े. सो चलो फिलहाल अब चलते हैं रूम पे वापस. सो गाइस अब यहाँ से ये वापस जा रहा है अपने घर अलाहाबाद प्रयागराज. सो फिलहाल यहाँ से ये जाएगा आलमबाग के लिए ना. हाँ यस आलमबाग बस स्टॉप. गाइस शोहेब अपने मेट्रो में जो आलमबाग बस स्टैंड पे जाती है हमने उसका टोकन ले लिया था तो उसमें वो चढ़ चुका है जा चुका है जैसे कि आपने देख लिया. अब फिलहाल मैं भी चलता हूँ. अब आ गया हूँ मैं इंदिरा नगर. अब यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे कोचिंग की तरफ तो चलते हैं. सो गाइस अब आ गए कोचिंग करते हैं फिर मिलते हैं आपसे. सो गाइस मैं कोचिंग के बाद तुरंत रूम पे आ गया था एंड का मतलब फिर उसको मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया और जिसके आपने देखा आज हम गए थे रॉयल कैफे हैदराबाद में जो है और पहली बार लाइफ में मैंने बास्केट चाट खाई जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी. मतलब उसके जैसे पहले मैंने कभी कुछ खाया नहीं था शायद मतलब उस चाट के अलावा. एंड आपने ये भी देखा कि आज शोएब आया था मेरा BGMI फ्रेंड जो कि उससे मिले काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. सो बस आज के लिए इतना ही. आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा. पसंद आना बड़ी जरूर लाइक कर देना चैनल पे जो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए एडियोस.